हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, लीनियर इन इक्वेशंस। सो इन दिस चैप्टर वी बेसिकली डिस्कस अबाउट फॉलोइंग कंसेप्ट। द फर्स्ट कंसेप्ट इज इन इक्वेशन, सेकेंड वन इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, एंड थर्ड एंड लास्ट वन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो बेसिकली हम यूज़ करेंगे कुछ टर्म्स है वो हमें पता होना चाहिए। जो फर्स्ट है वो हमारे पास है इंटरवल। इंटरवल मींस हमारी जो वैल्यू है वो किस किस में लाई कर रही है, ठीक है। तो इंटरवल में हमारे पास सबसे पहले आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक्स, अगर इक्वेशन में हम एक्स वाई वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, अगर हमारी एक्स जो वैल्यू है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, चाहे तो एक तो एक्स ग्रेटर देन ए एंड इक्वल्स टू, सेकेंड वन एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी। तो एक्स क्या है, ए से ग्रेटर दैन भी और इक्वल भी आ सकता है, और बी से ग्रेटर दैन इक्वल भी आ सकता है। मतलब ए और बी को कंसीडर कर रहा है बीच में। तो जब हमारा जो वैल्यू है वेरिएबल दो पॉइंट्स को कंसीडर करे अपनी वैल्यू में, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्लोज इंटरवल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज इंटरवल ऑफ ए एंड बी। मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो हमारे ए और बी के क्लोज इंटरवल में आ रही है। क्लोज इंटरवल मीन्स हम ये वैल्यू भी इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, जब हमारा एक्स है जो वो ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना हो, इट मीन्स वो ए से भी ग्रेटर देन है और बी से या लेस देन है, फॉर एग्जांपल लेस देन मान लो ऐसे है। तो वो एक्स क्या है, मतलब ए से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले सकता है और बी से लेस देन कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन ए और बी नहीं ले सकता। तो ऐसे इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कोमा बी, इट मीन्स ए भी नहीं लेना और बी भी लेना। ये ओपन बैक इंटरवल का साइन है, ओपन का कर्व है जो, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटरवल का, ये ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल का साइन है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए एंड बी का ओपन इंटरवल फॉर ऑल एक्स हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो दैट जो एक्स है वो ग्रेटर देन ए एंड लेस देन क्या है, बी से, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड हमारे पास आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। नाम से ही पता चल रहा है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। अगर हमारा इंटरवल, मतलब जो भी हमारी वैल्यू है, जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है एंड लेस देन बी है, इट मीन्स एक वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, एक को नहीं कर रहा। तो इसे क्या लिखेंगे, ए को कंसीडर कर रहा, तो इस तरफ क्लोज हो जाएगा ए कोमा बी की तरफ क्या आ जाएगा, ओपन फॉर सो दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड ए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू लेस दैन बी, जो एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज में। अगर इस साइड क्लोज है तो चाहे इस साइड भी क्लोज आ सकते हैं, एक साइड क्लोज हो रहा है एक साइड ओपन हो, तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज कॉलम बने, इंटरवल बनेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये तो सही इंटरवल। नेक्स्ट हमारे पास है इन इक्वेशंस क्या है, जो चैप्टर में बेसिक हमें जिसके बारे में पढ़ना है। तो इन इक्वेशंस इक्वेशन तो हमें पता है जिसमें हमारा वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट हो, और इन इक्वेशन में क्या है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी में, इट मीन्स इक्वल के साइन हो, जैसे ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया,
और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू सच, तो इज नोन एज इन इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को हम इन इक्वेशन बोल रहे हैं जिसमें हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन है हमारे पास ऐसे ए एक्स, जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इक्वल नहीं है लेस देन का साइन है। जैसे फिर टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन है जो हमारे पास, उसे हम इन इक्वेशन बोल देते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन तो हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें इन इक्वेशन में ये भी एक रूल होता है, अगर दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड पे अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई सेम नंबर तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड को किसी नेगेटिव नंबर के साथ, व्हेन वी मल्टीप्लाई द बोथ साइड विद नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इन इक्वेशन इनइक्वालिटी आएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। तो इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे अगर हमें गिवन है ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, ऐसे ए लेस देन इक्वल्स टू बी अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद माइनस टू, तो माइनस टू ए, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस टू बी, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो उसका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वेशन, जिसके बारे में पढ़ना है। लीनियर इनइक्वेशन क्या है, तो लीनियर आपने पहले भी पढ़ा है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होती है, वन, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या बनेंगे, द इक्वेशन इन विच variables of first degree is involved, ठीक है, जिसमें हमारे पास variable की जो degree होगी वो वन होगी, ठीक है, highest power वन होगी। तो ऐसी equation को हम linear equation बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2x, ये वाली equation 2x plus 3 greater than equals to 5, तो ये इसमें variable की power क्या आ रही है, वन आ रही है। तो ऐसे फंक्शन को, इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग 5 माइनस 2x बाई 3 लेस देन इक्वल्स टू x अपॉन 6 माइनस 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे 5 माइनस 2x बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 30 बाय 6, देन ये कट हो जाएगी दोनों साइड 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 30। सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते वैसे, बस यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब सेपरेट कर x को सेपरेट कर ले, माइनस 4x माइनस आ जाएगा माइनस x लेस देन इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या गया x लेस देन इक्वल टू, सॉरी, जब हमारे पास जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड डिवाइड बोथ साइड विद माइनस 5, तो माइनस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं चाहे डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो ये क्या बनेगा हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल्स क्या आ जाएगा, माइनस फाइव के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एट। इट मीन्स जो x वो 8 से इक्वल भी और ग्रेटर देन, इट मीन्स 8 की साइड क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, ग्रेटर देन कोई पता नहीं कितना होगा तो इन्फिनिटी तक, तो इधर क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ ए, सोल्यूशन इज क्लोज ब्रैकेट 8 एंड। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग कौन सी स्टेटमेंट है हमारे पास, 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 3x प्लस 7, साथ में वो कह रहे हैं शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का ग्राफ भी हमें शो करना। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, उसे सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 3x प्लस 7, तो हमें x निकालना है, साथ में माइनस 1 है तो क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे, इसमें ऐसे ही करना, ठीक है। जैसे छोटी क्लासेस में करते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, तो 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 5x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3x प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5x ग्रेटर देन 3x प्लस 8। तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट, ये 3x है ना, हमें इधर कट करना है इसे, तो सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम बोथ साइड, तो ये हमारे पास आए। सो हमें प्लस का 3 है तो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे माइनस 3। हाँ वैसे सब्ट्रैक्ट करना तो ठीक है। तो क्या आएगा, 5x माइनस 3x ग्रेटर देन 3x प्लस 8 माइनस 3x, तो क्या आएगा, 2x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो ये 2 कट, x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा हमारे पास, x ग्रेटर देन 4। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन इज 4 से ग्रेटर देन, इट मीन्स 4 ओपन ब्रैकेट आएगा अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ग्रेटर देन पता नहीं था तो वो भी ओपन आएगा, ठीक है। तो इसे ग्राफ पे अगर शो करना तो एक नंबर लाइन जैसे शो करते हैं वैसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो बीच में यहाँ पे 0 है, तो हमारा नंबर सॉल्यूशन क्या रहा है, 4 ये रहा है। तो हमें पता 4 से ये क्या है, ओपन है, तो ओपन ऐसे डॉट्स को ओपन कर दें, डार्क नहीं, अगर क्लोज है तो इसे डार्क कर दें, तो इसे लेकर यहाँ इधर की तरफ क्या बना दो, एरो बना दो, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, ठीक है। तो ऐसे ही है फर्स्ट इक्वेशन में आपके सामने, इक्वेशन को सोलो करना, अगर ग्राफ पे का तो ऐसे शो करना, ठीक है, ओके।